सीखने का नाम ही जिंदगी है। जीवन में जिसने सीखना बंद कर दिया, समझिए कि सांस तो चलेगा लेकिन जीवन जीना उसने बंद कर दिया। जीवन जीने का नाम ही है नित नई कुछ सीखना। मैं एक शिक्षक होने के नाते तो और भी ज्यादा जोर दूंगा इस चीज पे कि वह दर्शन जहाँ पे सब कुछ दिव्य अनुभूति हो, जहाँ सब कुछ नया प्रतीत हो, सब कुछ का स्वागत हो, यही तो दिव्य दर्शन है और यही सीखना है जीवन में। लेकिन ये सीखना भी तो कोई सिखा दे, क्योंकि सीखना भी एक कला है। जिस तरह से जीवन जीना एक कला है, जीवन जीने में कुछ नित्य नया सीखना भी एक कला है, सब लोग नहीं सीख सकते। इम्तिहान पास कर जाना, जीवन में कोई कठिनाइयां पार कर जाना, वह लर्निंग नहीं है। लर्निंग का मतलब होता है कि जितना आप सीखते जाएंगे उतना ही आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होते जाएगी। सच मानिए तो कोई हमें सीखना सिखा दे, ऐसा भला कहाँ होता है। प्रश्न करने की परंपरा खत्म हो रही है। समय के साथ लोग सवाल पूछना बंद कर रहे हैं, और सवाल पूछते भी हैं तो ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका कि जवाब खुद उन्हें मालूम होने के बावजूद भी तर्क और कुतर्क करना चाहते हैं। जिज्ञासाएं होंगी तो ही उचित सवाल कोई पूछ। जितनी जिज्ञासा होगी उतना ही उचित सवाल होगा, और तभी तो सीखने की दिशा में जीवन में कोई आगे भी बढ़ सकता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा जानता है उसे उतना ही ज्यादा जानने की जिज्ञासा होती है, और यही तो सीखना है। एक शिक्षक दिशा सूचक होता है, वह जीवन में डायरेक्शन देता है। डेस्टिनी, डेकोरम, डिसिप्लिन, यह सब कुछ तो आपका है। जिज्ञासा, ज्ञान और बुद्धिमानी के चुंबक को सक्रिय बनाना ही एक शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान है, और यही मैं भी करता हूँ और यही सभी शिक्षक करते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि शिष्य के अंदर वह जिज्ञासा बनी रहे। एक स्वतः प्रक्रिया है, हर क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। सवाल करना ही आपको कुछ सिखाएगा। आप जरा ध्यान दें, झील को चुपचाप पड़े रहना आता है, झरने को झूर झूर करके गिरना आता है, नदी को अनजान दिशाओं तक बहते रहना, समंदर के लहरों को छूने की कोशिश में खेल खेलना, फिर इन सभी में छलांग लगाते बंदर के बच्चे हों या इंसान के बच्चे हों, उनको किसने सिखाया कि झील में ऊंचाई से कूदो, स्विमिंग करो, झरने के नीचे बस खड़े रहो, नदी के साथ आप बहते चले जाओ और समंदर के तट पर पहुंचती सबसे ऊंची लहर पर सवार होकर दूर तक जाओ, ये किसने सिखाया? लौटती लहर के साथ वो खुद तट पर छोड़ देगा, ये कौन सिखाता है हमें ये सब? कौन है हमारा गुरु? कौन है यह यदि आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि इंटरनेट यदि सिखाता भी है, इंटरनेट पर जब लर्निंग की आप परिभाषा खोजेंगे कि लर्निंग क्या है, तो वह तीन हिस्सों में जवाब देता है। और यही सीखने का तीन चरण है, डूइंग, पार्टिसिपेटिंग एंड रिसीविंग। अर्थात आप जीवन में सीखने का असली चीज है, पढ़ना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है, और जब आप करते हैं तब असली सीखते हैं। आप चीजों को अनुभूति करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, समस्याओं में उलझते हैं, और उसी को पार्टिसिपेटिंग कहते हैं। लेकिन उस अनुभव से यदि आप कुछ निकाल पाए, यदि वह अनुभव आपको कुछ इंस्पायर कर सका, तो वही रिसीविंग है, वही आपने स्वीकार किया। और ये स्वतः प्रक्रिया है, सच मानिए, हर क्रिया के साथ जुड़ी हुई है। गुरु हमारी क्रिया के लिए एक कंपास का काम करता है, दिशाओं का ज्ञान देता है। सीखना तब भी हमको ही है। गुरु तो सिर्फ हमें ज्ञान ही नहीं, सिर्फ ज्ञान के दिशा में हमें मोड़ देता है। ये सवाल अलग है कि आखिर दिशाओं को किसने सिखाया? किसने हैप्पीनेस, किसने सक्सेस,
किसने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसने दिया? हवाओं को ध्रुवीय अथवा पछुआ होना, पूर्वी होना कौन सिखाता है? अंधेरे को रोशनी आए तो भाग निकलो, ये कौन सिखाता है अंधेरे को? क्या कोई ऐसी पाठशाला है? बिल्कुल है, हाँ एक देखिए, कक्षा है कच्ची पहेली। मास्टर जी ने 12 सीखे हैं, 12 खड़ी में वो बत्ती से, उस चौक से, स्लेट की काली सतह पर रंग बिरंगे चौक से लिखती कुछ चीजें, गीले कपड़े से मिटाती, फिर सब कुछ लिखती। मास्टर जी ने पूछ डाला बच्चों से कि आपने पृथ्वी के ऊपर कुछ लिखा? पृथ्वी जैसे सुनती ही नहीं है, पृथ्वी जैसे सुनती ही नहीं है। एयर कंडीशन ऑफिस में सेव अर्थ का पोस्टर कब से चिपके चिपके, वह भी खराब हो चुका है। रूह तक की हड्डियां का बुरादा होने लगा है। सांस भरने के लिए पेट को अंदर की ओर खींचना पड़ता था। माइक पर गूंजती 80 डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज कानों में घंटी की तरह बज रही थी। मौका पाकर जूस का ट्रेटा पैक उठाए और रफू चक्कर हो गई। पहुंची एक गांव में, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के अनुलोम विलोम किया ही था कि फिर मास्टर जी ने स्लेट थमा दी और 12 खड़ी लिखने के लिए दे दी। 12 खड़ी में जब मास्टर जी ने पूछा कि तुमने क्या लिखा, तो हंस करके, एक मुस्कुरा करके उस बच्चे के मुंह से आवाज आई कि हाँ मास्टर जी, बिल्कुल हमने लिखा है प फ ब भ म। अर्थात ये पूरा कौन लिखेगा? बच्ची से मास्टर साहब ने पूछा कि ये पूरा कौन लिखेगा 12 खड़ी, ये तो बीच से आपने उठा करके लिख दिया। बच्ची बोली कि मास्टर साहब अब क्या चाहिए, प से पेड़ होता है, प से ये सारे पेड़ हैं, फ से फल है, ब से बकरी है, भ से भेड़िया है और म से मनुष्य है। बस हो गया, यही तो है पूरी की पूरी खाद्य चक्र, खाद्य श्रृंखला। इसे आपने जरा सा भी छेड़ा और मनुष्य यही करते आ रहे हैं, इसके साथ छिड़खानी करते आए हैं। और इस छिड़खानी के साथ ही आप पेड़, पवन, पानी और पृथ्वी बचा सकते हैं और इसी छेड़खानी के जरिए इनको बर्बाद कर सकते हैं। आप देखिए तो सही कि यह एक पेड़ है और पेड़ को एक शाकाहारी जीव खाता है और फिर इस शाकाहारी जीव को एक मांसाहारी जीव खाता है और यह फिर पृथ्वी के चक्र में शामिल हो जाता है। ये फल फ्रूट किसके लिए बने हैं? मनुष्य के लिए ही तो बने हैं। यह जीव जंतु, यह प्रकृति, पूरी की पूरी कायनात सिर्फ मनुष्य को सुख सुविधाओं के लिए बने हैं, लेकिन मनुष्य उन चीजों को नहीं समझ पाया। अर्थात वह हिंदी का 12 खड़ी ही नहीं समझ पाया कि ये पृथ्वी चक्र किसने और कैसे चल रही है, किसने सिखाया पृथ्वी को पर्यावरण की भाषा। आप देखिए तो सही, ये सब कुछ स्वयं में चल रही है, किसी ने नहीं सिखाया। यही तो जीवन का ज्ञान है, जो स्वयं से आता है, बिना किसी के सिखाए इस संसार में आता है। पशु पक्षी को कौन उड़ना सिखाता है? दुनिया में एकमात्र जीव मनुष्य है जिसको तैरना नहीं आता है, उसे तैरने के लिए सीखना पड़ता है। जबकि जीवन में हर एक जीव को स्वयं से तैरने आता है, स्वयं से सीख लेता है, उसको कौन सिखाने जाता है? ध्यान दीजिए कि संसार की हर शय कुछ न कुछ सिखाती है, हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाती है। यात्राएं भी जीवन में, यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। राहुल सांकृत्यायन इसके एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने अनवरत यात्राएं की इस अपने जीवन में और सभ्यताओं के विकास के जीवाश्म को खोज डाला उन्होंने। उन्हें अपनी पुस्तकों में पन्नों के बीच दबा कर रख दिया। उनकी किताब बोलगा से गंगा तक में उन्होंने लिखा कि किस तरह से यूरोप से भारत तक आती आर्य संस्कृति ने तक्षशिला में मौजूद आर्य गुरु अंगिरा की पहचान की। इन्हीं गुरु ने उनको दिशा दिखाई और कहा, सभी नवीन त्याज्य हैं, सभी प्राचीन ग्राह्य हैं। यह कहना गलत है, नए को ग्रहण कीजिए। यही वजह रही कि इसके बाद से ही आर्यों ने असुरों की अच्छी बातों को भी अपनाना शुरू किया एवं सबसे बड़ी
सभ्यता बनकर उभरे और ये भारतीय सभ्यता ही इस पृथ्वी की विश्व गुरु। समझने की जरूरत है कि यह कैसे पृथ्वी पर सभी जीव एक दूसरे को संतुलित किए हुए एक दृश्य बनी हुई चीजों पर और एक दर्शन के तरह ये सब कुछ काम कर रहा है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि यह तमाम प्रकृति अपने नियमों से चल रही है और इसके नियमों में कोई भटकाव नहीं है, कोई विसंगति नहीं है। बल्कि हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई जानवर अपने नियम से नहीं भटका, लेकिन मनुष्य अपने नियमों से भटक गया और इसीलिए आज के समय में मनुष्य सबसे ज्यादा संकट में घिरा हुआ है। हॉस्पिटल मनुष्यों की सबसे ज्यादा है, न कि पशु पक्षियों की। और पशु पक्षी भी कहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं? वही जाते हैं जिनको आप पालतू बना करके रख लिए हैं, क्योंकि उनको कैद में पसंद रहना नहीं है, बल्कि कैद में तो मनुष्य रहता है। उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि जिस पक्षी को सोने का पिंजरा भा गया उसके लिए आकाश नहीं होता है। होता तो है पंख, लेकिन उड़ने के ऊपर उसको विश्वास नहीं होता है। होता बहुत कुछ कुछ अंदर, लेकिन उसका कोई इतिहास नहीं होता है। यही पर्यावरण है, किस तरह से पूरी साइकिल चक्र बनी हुई है और पूरा प्रकृति अपने नियम से चल रहा है। यदि हम भी सब भी प्राकृतिक बन जाए, प्रकृति से जुड़ जाए, तो स्वयं में नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। यही तो सीखना है, यही तो कोई हमें सिखा नहीं पाता है, क्योंकि बचपन से ही यही हमें सिखाया जाता है कि धन बटोरो, खूब पढ़ो, लाइफ में खूब सक्सेस हो, खूब धन इकट्ठा करो, खूब कपड़े लत्ता पहनो, खूब अय्याशी करो और फिर जीवन के हर दुख को भोगते हुए इस जीवन से विदा हो जाओ। ये कोई नहीं सिखाता है बचपन में ही कि हंसो, मुस्कुराओ, इस प्रकृति का आनंद लो, इस प्रकृति से जुड़ो। ये कोई नहीं सिखाता है। पर्यावरण से जुड़ो, पर्यावरण की रक्षा करो, यह सब नहीं बताते हैं। इन झील नदियों का मजा लो, इन पशु पक्षियों को समझो, इन प्राकृतिक वातावरण का आनंद और लुत्फ उठाओ, ये कोई नहीं सिखाता है। और बचपन यही है, तमाम झंझटों के बीच में रहते हुए भी उनसे अलग रहना ये कोई सिखाता है तो वह सिर्फ बचपन सिखाता है। जो परत दर परत जो ईमानदारी सिखाता है वह सिर्फ शिक्षक एक अहम भूमिका निभा सकता है। वह किसी वक्त के बहुत पुराने फोल्डर से निकलकर एक छोटा सा बच्चा आपके अंदर ज्ञान की जिज्ञासा समा सकता है। आपको यह एक टीचर उत्कंठा से निकाल सकता है। मुझे याद है कि मैं एक ऐसा कुछ क्लास ले रहा था जहां पे इन जितने बच्चों को आप देखते हैं इनके अंदर न ही सुनने की क्षमता है और न ही बोलने की क्षमता है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चे बहुत ही मन लगा करके पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे और इन बच्चों के बीच में कोई तो मेडिएटर है जो हमारे आवाज को एक सिंबॉलिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इन सभी को सब कुछ दिखता है, सब कुछ समझते हैं। बोलते नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक लैंग्वेज से मैं भी सब कुछ समझ रहा था। आखिर यह प्रकृति ही तो है कि अनुभूति सब कुछ है, वह अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति को समझने वाला व्यक्ति हो तो हर कुछ अभिव्यक्त है, सीख सकते चल करके आता है। मेरा बेटा भी अक्सर पूछता है कि पापा, ये आसमान हमसे इतना क्यों दूर है? यह पहले मुर्गी आई कि अंडे आए? अब कौन किस प्रश्न का जवाब दे? इस बारिश का पानी हम क्यों नहीं पी सकते हैं? इस जंगल के अंदर हम क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि हम उसके अंदर डर पैदा कर दिया है। बिल्कुल जा सकते हैं, जीवन का आनंद उठा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को प्रकृति से दूर करते चले जाते हैं। अर्थात वहां हम बच्चों को प्रकृति से जुड़ने नहीं देते हैं, अर्थात सीखने की क्षमता उसकी कमजोर करते जाते हैं। और क्या कोई सिखा सकता है? यही सीखने देने की आपको एक नाम बताता हूं, वह नाम कोई और नहीं,
अहमद अब्बास है, जो किसी वक्त अमृतसर से लाहौर हो रहे अंग्रेजों की कैवलरी जालियांवाला बाग कांड के डिटेचमेंट को धूप में खड़े होकर के निहार रहा था। उस समय गोरे लोग थमथमाए लाल चेहरे देखकर उसके खिलाफ गुस्से से भरे हुए थे और उसका भी गुस्सा जाहिर हो रहा था उसके चेहरे पर। बड़ा होकर वो ख्वाजा अहमद अब्बास बन गया, लेकिन जिसने देशभक्ति की फिल्में बनाई, समाज की समस्याओं को सिनेमा के स्क्रीन तक पहुंचाया, उसने एक बड़ा ही मासूम क्वेश्चन किसी से किया। आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन पूछना भी चाहिए, सवाल पूछना भी चाहिए। और जब उसने सवाल पूछा कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में क्या करना चाहिए, बड़ा मासूम सा सवाल था जो इसने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से पूछ डाला, और प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक ही उत्तर दिया, हाँ सच। यदि आपको कुछ सीखना है तो हमेशा आप सवाल करो। चाचा नेहरू कहे जाने वाले इन बच्चों के प्यारे एक ही चीज सिखा गए बच्चों को कि हमेशा सवाल करो, और सवाल करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और सीखने की क्षमता होनी चाहिए। सीखने की क्षमता आपको जीवन में नई ऊंचाई तक ले जाता है। मैं आपको बता दूं कि जीवन में एटीट्यूड से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है, एप्टीट्यूड से नहीं। एटीट्यूड डिसाइड द एल्टीट्यूड ऑफ योर लाइफ, नॉट द एप्टीट्यूड। हेंस एटीट्यूड डिटरमाइंस योर डायरेक्शन, योर डेस्टिनी, योर डिग्निटी, योर डेकोरम, योर डिसिप्लिन। ऑल दिस डिसाइड योर सक्सेस इन योर लाइफ। जीवन में सफलता का सबसे आसान तरीका यदि वो कुछ है तो वह है कि आपके अंदर जिज्ञासा हो, सीखने की क्षमता हो। जीवन भर आप अपने स्वयं को छात्र बनाए रखें। सीखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान लगा करके अंतर मन से बहुत कुछ सीखा, और तभी तो इस पूरे संसार का दिव्य ज्ञान भारतवर्ष में है, जो वेद शास्त्र और पुराणों में निहित है। उसके अलावा और कहीं कोई ज्ञान। लास्ट बट नॉट लिस्ट, जीवन में आप जहां भी व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या व्यवसायिक जीवन हो, इन सब में एक संतुलन बना करके रखना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हियते हि मतिस्तात हिनै सह समागतात समश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टतम। अच्छे लोगों के बीच आप रहेंगे तो अच्छा बन जाएंगे, भ्रष्ट लोगों के बीच रहेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। यदि आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन चक्र को समझिए, स्वयं में अपने आप को सेल्फ रियलाइज कीजिए, स्मार्ट बनिए। स्मार्ट सिटी, स्मार्टफोन, सब कुछ आ गया, आपको भी जरूरी है कि स्मार्ट बनिए, स्पेसिफिक बनिए। स्वयं को मेजर कीजिए कि हम कहाँ थे, क्या हैं और क्या कर सकते हैं, हमारी प्रतिभाएं क्या है। उस चीज को अटेनेबल, जो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए, न कि हवा हवाई में ख्वाब देखिए। रिलेवेंसी होनी चाहिए, वह तार्किक होनी चाहिए, और किसी भी चीज को टाइम के अंदर, टाइम सेंसिटिव अर्थात टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन में यदि आप समय को महत्व नहीं दिए तो वह समय आपको महत्व नहीं देगा, और आप समय के साथ आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए बी वेरी स्मार्ट। जीवन में सबसे पहले गुरु होते हैं। माँ के ममत्व से बड़ा कोई शिक्षा नहीं हो सकता, और पिता के प्यार से बड़ा कोई ज्ञान नहीं हो सकता। माता पिता जैसा संस्कार होगा, बच्चा भी वैसा ही होगा, क्योंकि फाउंडेशन से ही घर तैयार होता है। इसी से संस्कार के बल अवतरित होते हैं बच्चों में, और उसी से वह जीवन। अनुभव उससे भी बड़ा शिक्षक है। पेन इज द ग्रेट टीचर। जब आप अपने इंद्रियों से अनुभव करते हैं, समाज से सीखते हैं, सीखने की क्षमता डेवलप करते हैं, जिज्ञासा आती है, तब आप बहुत कुछ स्वयं से सीखने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं बादाम खाने से दिमाग आता है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ बादाम से नहीं, बल्कि ठोकर खाने से ही दिमाग आता है। जितना अनुभव होगा उतना ही आप अनुभवी बनेंगे, उतना ही आप कुछ सीख पाएंगे, उतना ही जीवन में निरंतर आप विकास कर पाएंगे। एक श्रेष्ठ और संस्कारवान बालक व्यक्ति ही
इस देश का निर्माण कर सकता है और एक संस्कारवान बालक 100 विद्यालय के बराबर। आप सबसे आशा करता हूं कि यह आपके जीवन में नित्य निरंतर जिज्ञासा पैदा करेगा यह वीडियो, और भी की एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के बीच, ताकि अच्छी चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपको अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।